हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो रिलेटेड है छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन से। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रोजगार पंजीयन से संबंधित सभी कामों के लिए एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो नए वेबसाइट में आप एक नया पंजीयन किस तरह से कर पाएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी चॉइस सेंटर में जाकर अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। इन सभी के अलावा आपके पास एक डिजिटल रूप में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा JPG फॉर्मेट और इसका जो साइज है वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद अब आप आसानी से एक न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि नया पंजीयन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करना है और वहां पर आपको सर्च करना है erozgar.cg.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट ये जो वेबसाइट है वो हिंदी लैंग्वेज में ओपन होता है। अगर आप इस लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आप इसमें क्लिक करके इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि नए पंजीयन के लिए सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें से आपको यहाँ पर रोजगार इच्छुक लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया होगा तो यहाँ पर जॉब सीकर लॉगिन लिखा हुआ आएगा, तो सिंपली आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं और अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। जब आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर करेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। जब आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर नवीन पंजीयन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद OTP भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसे आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद आपको यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना नेम एंटर करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नेम आप यहां पर एंटर करेंगे वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, सिंपली आपको उसमें टिक करना है। फिर आपको यहां पर OTP भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपका आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहां पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल्स फिलअप करते जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है, उसके बाद मदर्स नेम एंटर करना है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते होंगे। फिर यहाँ पर दिव्यांगता के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही आपको यहाँ पर केवल एक ही पंक्ति दिखाई दे रही होगी, तो अगर आप और भी पंक्तियाँ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऐड रो का। सिंपली आपको इसमें क्लिक करते जाना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ और पंक्तियाँ यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फिलहाल के लिए आप केवल 5 पंक्तियां ही ऐड कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप केवल 5 क्वालिफिकेशन ही ऐड कर सकते हैं। अगर आप 6ठी पंक्ति ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हो सकता है कि फ्यूचर में इसे इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि आप 5 से ज्यादा क्वालिफिकेशन भी ऐड कर पाए, बट फिलहाल के लिए तो अभी आपको 5 क्वालिफिकेशन ऐड करने का ही ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो आपके इसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इनमें से अगर आप कोई पंक्ति हटाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे
जो भी पंक्ति है वो आसानी से हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन ऐड करते जाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 10th क्लास को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब 10th क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि 12th क्लास में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी था, तो इस केस में आप यहाँ पर साइंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 12th क्लास में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स था, तो इस केस में आप यहाँ पर मैथ्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे ही 12th क्लास में जो भी आपका मेन स्ट्रीम रहा होगा उस हिसाब से आप यहां पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर NCO कोड लिखा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब इसी तरह से आपको यहां पर अपनी बाकी योग्यताएं भी ऐड कर लेनी है। सारे क्वालिफिकेशन ऐड हो जाने के बाद यहां पर आपको मुख्य योग्यता का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रहेगा उस वाले बॉक्स पे आपको यहां पर टिक करना है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन ऐड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रोजगार की स्थिति सेलेक्ट करनी है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको रोजगार दिया जाता है तो आप कहाँ पर काम करने के इच्छुक होंगे, तो इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अल्पसंख्यक का, तो अगर आप इनमें से किसी से बिलोंग करते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है, जो भी स्टेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। फिर आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है जिस भी जिले से आप बिलोंग करते होंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण या शहरी का, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं फिर आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना ग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर पिन कोड एंटर करना है, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना है। ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपका इमेज है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है वो आसानी से अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर एक घोषणा पत्र लिखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। अब जो भी जानकारी आपने भरी है उसे आप एक और बार चेक कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही आपको यहाँ पर एक पंजीयन नंबर भी दिया गया है, तो आप इसे जरूर से नोट कर लीजिएगा जिससे कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आगे के प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड चेंज किए बिना आप आगे कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर पासवर्ड बदले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मौजूदा पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि आपके मोबाइल नंबर पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड किया गया होगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो भी नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, और अगर आप इन्हें क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नया पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर पंजीयन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब सिंपली आपको यहाँ पर थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
उसके बाद रोजगार से संबंधित जो भी पहचान पत्र है वो ओपन हो जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या आपको किसी अधिकारी के सिग्नेचर करवाने होंगे या नहीं। इसके लिए जब आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक निर्देश लिखा हुआ है कि इस पहचान पत्र में किसी भी अधिकारी के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, आप इसे बिना सिग्नेचर के ही यूज कर सकते हैं और ये पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। अब अगर आप इस पहचान पत्र को प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, और अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे जो भी फाइल है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि नया पंजीयन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।